Welcome to our channel. Food, fun and home. Assalamualaikum my YouTube family. बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है हमारे यहाँ. आज 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री सेल्सियस है और आज हमारे शहर में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने टुगेदर जो है वो वीकेंड राइट आफ्टर वीकेंड जो ईद के बाद पड़ा है उसकी वजह से ईद की पार्टी रखी है. इट्स लाइक अ वन डिश पार्टी. तो हम वहाँ पे आए हैं तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है. ये जवाद है, ये मुस्तफ़ा बेबी हैं, सब रेडी हैं बिल्कुल. हम लोग चले हम अंदर हैं कि क्या हमारे यहाँ पार्टी में. ये देखिए ये जो है वो वही पोमेरॉय स्पोर्ट्स सेंटर है. यहाँ पर एक कुछ कम्युनिटी हॉल्स होते हैं वो हम रेंट कर सकते हैं. तो रेंट करते हैं 2 आवर के लिए और फिर सब अपनी अपनी डिशेस बना के लाएंगे और फिर सब मिलके पार्टी करेंगे. चलें मिलते हैं थोड़ी देर में. देखें यहाँ ईद की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी है. आपको शोर से अंदाज़ा हो रहा होगा. ये कुछ कोई बंदा जो है वो बच्चों के लिए गुडी बैग्स बना के लेकर आया है. ये देखें ये हैं गुडी बैग्स और ये कुछ और किस्म के गुडी बैग्स हैं. ये हैं ये कुछ लोग मीठा बना के लाए हैं. अभी खाना खुलता है तो मैं आप लोगों को सब कुछ खाने का भी दिखाऊंगी. लेकिन अभी देख सकते हैं कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ कम्युनिटी है. तकरीबन 40-50 लोगों के करीब के लगभग यहाँ पे मौजूद हैं. तो चलें मिलते हैं सबसे. ईद खाने में बेहद मज़ेदार चीज़ें थीं. कुछ लोग पास्ता बना के लाए थे, कुछ लोग पुलाव बना के लाए थे. ये जो नीचे सबसे लेफ़्ट पे आपको नीचे नज़र आ रहा है ये हमने कढ़ाई मुर्गी बनाई थी. कुछ लोग नूडल्स लेकर आए थे और ये बीच में जो है ये बहुत अच्छी जो है ना ये चिकन मंदी थी और कुछ ड्रम स्टिक्स थी चिकन टिक्के वाली. और बहुत ही मज़े का सैलड था क्योंकि ये अरब और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जितनी भी थी वो सब मिल के लाई थी. तो बहुत ही डिफरेंट मज़े के थे. और ये जो गोल गोल आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहे हैं ना ये तो मीठे होते हैं. ये एक इंडोनेशियन डिश है और एक ये मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर नीता के नाम से, शी इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया, उसने बनाई थी. बहुत मज़ेदार होती है. और ये केक मीठे में तो लोग केक लाए थे, कुछ लोग ये बाज़ार के मीठे लाए थे. एक अरब हैं वो बकलावा बना के लेकर आए थे. बहुत ही मज़ेदार खीर थी, कुछ रस मलाई थी. जब बाय द टाइम मैं पहुँची थी मूवी बनाने इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. ये था फ्रूट कस्टर्ड था और ट्राइफल की तरह. और कुछ लोग जो है ये इस तरीके का चीज़ केक लेकर आए थे. और ये जो है ना ये मेरी फेवरेट. और मैं ले गई थी अपनी मेहंदी, मेरे पास थी तो मैंने जो है ये बच्चियों के हाथ पे मेहंदी लगा दी थी. ओवरऑल इस दफ़ा की ईद बहुत ही ज़बरदस्त हो गई. बच्चों को जो है वो गुडी बैग्स मिले एंड में और बच्चों ने बहुत मज़ा किया. और ये हमारी बेस्ट ईद थी. वीकेंड अभी कंटिन्यूड था और ये था जवादी का एक प्रोजेक्ट जो जवादी को मिला. तो हमें जो है वो वॉलरस के बारे में जो है वो प्रोजेक्ट मिला था जवाद का. इट्स अ रिसर्च. इज इट अ जीनियस आवर? यस, जीनियस आवर प्रोजेक्ट. सो जवादी चोज द टॉपिक ऑफ वॉलरस. तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से फाइंड आउट की और हमने इसको सारे को वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वॉलरस की पिक्चर और ये एक ओरिजिनल सी पिक्चर और जितनी भी ये इंफॉर्मेशन थी वो हमने जो है वो नाइसली जो है इस पे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख ली. और ये क्यूट सी बेबी वॉलरस की पिक्चर है. और अब कर रहा है कि जो हमने ये तस्वीर हो की थी हम इसको जो है वो कर रहे हैं कट आउट. तो ये हमने कर ली है कट आउट. और ये हम एक पोस्टर बोर्ड ख़रीद के लेकर आए हैं डॉलर ट्री से. हम ये पोस्टर बोर्ड ख़रीद के लाए हैं. द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट कैन स्टैंड अप लाइक दिस. तो व्हेन यू आर डूइंग द प्रेजेंटेशन इट कैन जस्ट स्टैंड लाइक दिस. तो हमने ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन पेपर्स थे. वी हैव इसका जो है वो इस तरीके से ये पेज था ब्राउन कलर का क्योंकि वॉलरस ब्राउन होती है. तो हमने इसमें से एक स्ट्रिप कट करके और हमने इसके बैक पे लगाई है. तो देखें कितनी नाइस लग रही है. तो अब हम ये प्रोजेक्ट करते जाते हैं. जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा कम्प्लीट हो जाएगा तो हम आपको दिखाते जाएंगे. हमने सब कुछ प्रिंट कर लिया है.
और इसको इस तरीके से कट भी कर लिया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ग्लो कर ली हैं, ये बेबी वॉलरस की पिक्चर, ये जो है वो बिग एडल्ट वॉलरस, और इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। बस अब हम लोग को इक्लीज को ग्लू कर रहे हैं, देन वी विल बी डन। जवादी इस पर जो है वो एक और पिक्चर, उस पर ग्लू लगा रहा है और हम लोग बस इसको अरेंज करेंगे एंड विल बी डन। देखें ये हमारा पोस्टर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन इसकी लगा दी है। इट्स ऑल डन बाय जवादी, ही गैदर्ड अप, उसने सारी हाथ रखा, सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जवाद ने जो है वो रिसर्च करके इंटरनेट से निकाली। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको सबको वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है वो ले जाके और सब चीज़ों को इसको प्रिंट कर लिया। और इसकी बड़ी अच्छी बात है कि जब हमें इसको स्कूल ले जाना होगा, इसे ऐसे रखेंगे और ये ऐसे और ऐसे करके बंद हो जाएगा। And look, it's tiny Einstein. Tiny Einstein. चलें जी, ऑल डन। हाँ ये देखें, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो जब सिटी जो है वो सब कुछ क्लियर करती है तो जो है वो ये बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह जो है वो जब आपके यार्ड पे आ जाते हैं, तो ये एक सर्विस है जो आपको हर साल करवानी पड़ती है। तो ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं रेंट पे लेके, लेकिन ये जो है वो मशीन काफ़ी प्राइसी रेंट होती है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो बहुत रेडिली अवेलेबल होती हैं टाउन में। तो ये हम हर साल ही ये बंदा जो है वो हमारी क्लियर अप करता है। ये तो बस ये क्या होता है कि जितने भी रॉक्स और वो सब होते हैं ये ऑल द वे डाउन करके जो है ना ये रोड पे फेंक देते हैं, यानी कि ऑल द वे डाउन। ये देखें, अभी देख सकते हैं ये रोड पे कितने सारे रॉक्स आ गए हैं। तो बस ये रॉक्स इस पर आ जाते हैं और फिर सिटी की एक सर्विस होती है आई थिंक मिड ऑफ मे के टाइम के अराउंड, के जो सिटी होती है ना वो फिर हर जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनके जाके जो है वो पत्थर क्लियर कर देती है। तो जो सिटी जो है वो फिर सारी रोडें क्लियर कर देती है। अभी तो रोडों पे काफ़ी पत्थर हैं, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे सारे पत्थर क्लियर हो जाते हैं और आपका यार्ड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और थोड़े दिन में आके जब सिटी वो क्लियर कर देती है रोड्स भी, तो सारे जो है ये पत्थर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक सर्विस है जो आपको हर साल करानी पड़ती है। इस सर्विस के बग़ैर आप अपने लॉन पे मोर नहीं चला सकते। अगर आपकी घास बढ़ भी गई है, जब तक आप ये क्लियर नहीं करवाएंगे, और अगर आपने जो है वो अपना लॉन मोर चलाया तो लॉन मोर का ब्लेड भी टूट सकता है, और जो इस तरीके से जो उसमें से पत्थर ब्लेड पे टकरा के हैं लगेंगे तो वो जो है वो एक स्ट्राइकिंग हैजर्ड भी बन सकता है कि इट कैन हिट एनीबॉडी अगर अराउंड में कोई है तो, क्योंकि जो ब्लेड है वो राउंड राउंड घूमता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो इधर से आपको यार्ड दिखाती हूँ कि अभी काफ़ी जो है ना ये देखें, ये जो है ना ये सब बिल्कुल पथरीला हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यानी कि इस दफ़ा पत्थर हो चुके हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये पूरे पत्थर पत्थर हुए हुए, और जैसे ही ये बस ये सब क्लियर करेगा ना तो सारे पत्थर क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो लॉन थोड़ा जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। और जब ये पत्थर हट जाते हैं ना तभी बेहतर जो है ना वो घास निकलना शुरू होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी तो हर चीज़ ही बिल्कुल वो हुई हुई है। पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी अभी ग्रीन हुई है घास, लेकिन नॉट रियली राइट। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी घास को ग्रीन होने में। जैसे बड़े शहर मैंने जैसे आपको वैंकूवर की दिखाई तो सारी ही क्लियर हो गई है, लेकिन इस घास को ग्रीन होने में तकरीबन 1 से 1.5 महीने। चलें जी, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take care. Allah Hafiz. Thanks for watching. Like, share and subscribe.